आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हम यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिजन। सो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, अबाउट द थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की थ्योरी से कौन सा ऐसा चीज जो इनकरेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन चेक करते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कंसिडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और एटम टू बी हार्ड स्फीयर, इग्नोर द स्फेरिकल फीचर। ओके, मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल और उसको क्या कहते हैं हम, स्फीयर ही कंसिडर करते हैं, इग्नोरिंग द स्ट्रक्चरल फीचर, उनको एक स्फीयर ही कंसिडर करते हैं। ये सही बात है कि हम अजम्पशन लेते हैं कि वो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो स्फीयर ही है। ओके, सो दूसरा ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो जितना जितना इफेक्टिव कॉलिजन होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ओके, डिटरमाइंस सही है कि यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन मतलब उसको ओरिएंटेशन भी हो गई और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई हो गई। तो तीसरे में क्या है, कॉलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल पॉजेसिंग सफिशियंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इनटू डिफरेंट फॉर्मेशन। कॉलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी से काम नहीं होगा, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी से यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉलिजन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग जिसके पास है सफिशियंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी से काम नहीं पड़ेगा, हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी का फैक्टर भी ऐड करना पड़ेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन या हम ये भी कह सकते हैं इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच या रिएक्टेंट्स के बीच में, ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ओके, सो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 भी चेक करते हैं, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशियंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ये सही हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द कॉलिजन टू बी इफेक्टिव। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन और उनकी सफिशियंट थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन 2 इसलिए नेगलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसने बस यही कहा था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिटरमाइन करता है। ओके, इसमें ये बताया कि अगर सफिशियंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, ये गलत बात है कि उसमें एक और फैक्टर ऐड होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो कि फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है। सो आंसर क्या हो गया, क्लियरली ऑप्शन 3। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3 विच इज इनकरेक्ट या रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो थैंक यू गाइस, कीप सॉल्विंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।